लाखों लोग वहां थे. Last night, आखरी रात, as I prayed for God to fill everyone with the Holy Spirit that they will not go astray. जब मैंने प्रार्थना की पवित्र आत्मा के लिए कि उनमें से कोई भी जो है परमेश्वर से दूर न जाए. God was doing miracles. परमेश्वर चमत्कार कर रहे थे. Suddenly a mother came to the platform. अचानक एक माँ जो है वो मंच पर आई. Obviously she never knew anything about Jesus. निश्चय वो यीशु के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी. But she was holding chains. लेकिन वो जो है जंजीरों को पकड़े हुए थी. Yes, regular chains. हाँ, सामान्य जंजीरों को लोहे की. When I saw that, I trembled. जब मैंने ये देखा तो मैं कांपने लगा. But then another young boy followed her. लेकिन उसके पीछे एक जवान लड़का आने लगा. On the other side of the chain. और वो जो था उस जंजीर के दूसरी छोर पर था. This boy was handcuffed. और ये जो लड़का था उसके हाथ जो थे वे तालों में जड़े हुए थे. And there was a lock in the chain. और वो जो जंजीर थी उसमें एक ताला था. Then only they said. तब उनने ये कहा. He had lost his mind. इसका दिमाग जो है खराब हो गया है. And he would just get up and run away. और वो उठ करके कहीं भी भाग जाता है. You can see the chain that I'm holding. आप इस चेन को देख सकते हैं जो इस समय पकड़ी हुई हूँ. See the mother. और माँ को देखिए. So to stop him from running away from home. इसलिए कि वो घर से भाग न जाए. She tied her own son with a chain. उसने अपने ही बेटे को उस चेन में बांध करके ताले में रखा था. Handcuffed him. उसके हाथों को जकड़ रखा था. And put a lock. और उसमें एक ताला लगा रखा था. And holding the lock. और वो उस ताले को पकड़े हुए थी. How much it would have been the mother. उस माँ को कितना ज्यादा दुख हुआ होगा. To lock her own son, stopping him from running away. कि अपने ही बेटे को भागने से रोकने के लिए वो उसे जंजीरों में जकड़े हैं. She would tie him to a tree. वो उसे कभी किसी पेड़ में बांध करके रखती. Like a dog. मानो वो कोई कुत्ता हो. Just to keep him with her. ताकि वो उसके साथ ही साथ बना रहे. But of course. लेकिन निश्चय ही. In that meeting when the Holy Spirit came. उस सभा में जब पवित्र आत्मा आया. God's power came upon that young boy. परमेश्वर का सामर्थ उस जवान पर उतरा. And his brain was healed. और उसका दिमाग जो है ठीक हो गया. He looked at his mother. उसने अपनी माँ को देखा. He said, "Mommy." कहा माँ. मामा. Take me to the platform. ओ मुझे मंच के ऊपर में लेकर के चलिए. Hallelujah. Hallelujah. Brain started working. उसका दिमाग जो था सही काम करने लग गया. The mother brought her with joy. माँ उसको बड़े आनंद के साथ मंच पर लेकर आई. The mother brought him with joy. माँ उसे बड़े आनंद के साथ लेकर आई. And today. और आज. They, our team went and filmed Mahesh. हमारी जो टीम है उसने जाकर के महेश की तस्वीर बनाई. God has transformed him totally. परमेश्वर ने उसे पूरी तरह से बदल दिया है. He is wearing the best jeans, a good shirt and a cap and he is now starting to study. बहुत अच्छे जीन्स और बढ़िया शर्ट और साथ में टोपी पहने हुए हैं और अब वो अच्छे से पढ़ाई भी करने लगा है. And you see the pastor taking care of him. और आप देख सकते हैं कि पासबान उसकी सहायता कर रहे हैं. He is writing with his own hand. अपने ही हाथ से अब वो जो है लिख रहा है. Speaking beautifully in English. अंग्रेजी में बहुत अच्छे से बात करता है. God has transformed him. परमेश्वर ने उसे बदल दिया है. But then, लेकिन, like that Mahesh, उस महेश के समान, maybe you are also being bound. शायद आप भी बंधन में हैं. So that you will not run away. ताकि आप भाग न सके. But this time not with chains. और इस समय आप जंजीरों में नहीं. God is binding you with Himself with His love. परमेश्वर आपको अपने उस प्रेम की डोर में बांध रहा है. Binding you with His love. अपने प्रेम से वो आपको बांध रहा है. Saying, "My child, I will not leave you." ये कहते हैं मेरे बच्चे मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा. You will not run away anymore. अब तुम कभी भी नहीं भाग पाओगे. That is the heart of a good shepherd. ये एक अच्छे चरवाहे का मन है. Jesus loves you. यीशु आपसे प्रेम करता है. Come to Him. उसके पास आइए. And every day. और प्रतिदिन. He will speak to you about His love through the Bible. बाइबल के द्वारा वो आपसे अपने प्रेम का बखान करेगा. That's why we read the Bible. और इसलिए हम बाइबल को पढ़ते हैं. He will speak to us. वो हमसे बातचीत करता है. He will tell us how much He loves us. वो हमें बताता है कि वो हमसे कितना प्रेम करता है. That will bind us with Him. और वही हमें उसके साथ बांधे रखता है. He will carry us forever. वो हमेशा हमें अपने साथ लिए चलेगा. The same good shepherd. और वही अच्छा चरवाहा. Luke chapter 15. लुका अध्याय 15. And verse 9. और वचन 9 में. Makes us find all that we lost. जो कुछ हमने खोया है वो सब हमें वापस देता है. There was a lady who lost one silver coin. एक महिला थी जिसने अपना एक चांदी का सिक्का खोया. But she searched for it. लेकिन वो उसके लिए ढूंढती रही. Got it back. उसे वापस पाया. She had 10 coins. उसके पास 10 सिक्के थे. But she was worried about that one coin which was lost. लेकिन वो
उस एक सिक्के लिए चिंतित थी जो गुम गया था. But she got it back. और वो उसे वापस पा गई. She searched and got it back. उसे ढूंढती रही और उसे फिर से पा लिया. She was so happy. वो बहुत खुश थी. Rejoice with her neighbor. अपने पड़ोसियों के साथ वो आनंद मनाने लगी. In the same way. बिल्कुल वैसे ही. God will search for the riches that you have lost. परमेश्वर उन धन को आपके लिए ढूंढेगा जो आपने खोया है. God will search for the job that you have lost. जो नौकरी आपने खोई है ईश्वर से फिर ढूंढेगा. God will search for the house that you have lost. घर आपने खो दिया परमेश्वर से फिर ढूंढेगा. God will search for your husband who has been lost. आपके पति को जो आपने खो दिया प्रभु फिर ढूंढेगा. God will search for every treasure that you have lost. हर एक खजाना जो आपने खोया है प्रभु से फिर ढूंढेगा. The name that you have lost. जो नाम आपने खोया है. The health that you have lost. मेरा स्वास्थ्य आपने खोया है. And he will give it back to you. और उसे आपको वो लौटाएगा. Will have everything. आपके पास सब कुछ होगा. That is the heart of a good shepherd. ये एक अच्छे चरवाहे का मन है. Do you believe that? क्या आपको ये विश्वास है? Amen. आमीन. You will get back everything. आप सब कुछ वापस पाएंगे. Your good shepherd Jesus will search for every blessing that you have lost and he will give it back to you. आपका अच्छा चरवाहा यीशु आपने जितने भी आशीषें खोई उन सब को ढूंढ करके आपको वापस लौटाएगा. Let not your heart be troubled. आपका हृदय व्याकुल ना हो. Whatever you have lost. आपने जो भी खोया है. Jesus is coming with you tonight to bring it back to you. यीशु आज आपके साथ आ रहा है कि वापस उसे आपको दे. Luke 15:32. लुका 15 और 32 में. Good shepherd got back the boy which a father lost. अच्छा चरवाहा उस बेटे को पाता है जो पिता ने खो दिया था. The son got into sinful nature. बेटा जो था पाप में स्वभाव में पड़ गया था. And he ran away from his loving father, righteous father. और अपने धर्मी प्रेमी पिता से वो दूर भाग गया. But God spoke to his heart. लेकिन परमेश्वर ने उसके हृदय से बातचीत की. The son one day said. एक दिन बेटे ने कहा. I will go to my father. मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा. I will go to my father. अपने पिता के पास जाऊंगा. I'll say, Father, I have sinned against you. कहूंगा पिता मैंने आपके खिलाफ में पाप किया है. You say your son is against God and against you. आप ये कह रहे हैं आपका बेटा परमेश्वर और आपके खिलाफ है. Do you say your daughter is away from God and away from you? आप ये कह रहे हैं आपकी बेटी आपसे और परमेश्वर से दूर चली गई. The good shepherd Jesus will bring your children back to your bosom. भला चरवाहा यीशु आपके बच्चों को आपके गोद में वापस लेकर आएगा. He will change them. वो उन्हें बदल देगा. Give them a new heart. उन्हें एक नया हृदय देगा. According to Isaiah 59:21. He will put the righteous word which is in your mouth upon your children. आप और आपके संतानों के मुंह में वो धार्मिकता के वचन रखेगा. And he will put the spirit of God that is upon your children. और आप पर जो परमेश्वर की आत्मा वो आपके बच्चों पर रखेगा. You will have your children back. आप वापस अपनी संतान पाएंगे. You will have your son back. अपने बेटे को वापस पाएंगे. You'll have your daughter back. बेटी को वापस पाएंगे. God's child. परमेश्वर के संतान बनकर. Do you believe it? क्या आपको विश्वास है? Thank you, Jesus. तो फिर कहे धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. You will have your husband back. आप वापस अपने पति को पाएंगे. As a new man. एक नए व्यक्ति के रूप में. Would you open your heart? And tell him, Lord, I need you. I need you, Lord. Come into my heart. Now God will come in. Jesus Christ is the living God is coming into your heart. प्रभु यीशु जो जिंदा परमेश्वर आपके हृदय में आ रहा है. Washing you with his blood. आपको अपने लहू से धो रहा है. पिताजी, listen to their cry. आप उनकी पुकार को सुने. Let every sin come out. हर एक पाप जो है निकल जा. Every sin come out. हर एक पाप निकल जा. Let every addictions come out. हर एक व्यसन बाहर चले जा. Let every curse of sin come out. आपका हर एक श्राप जो है बाहर चला जा. Every demon power causing them to sin come out. पाप करवाने वाली हर एक अंधकार की शक्ति बाहर निकलो. Yes Lord, free your people tonight. हां प्रभु जी, अपने लोगों को आज की रात आप छुटकारा दें. Get everybody free tonight. हर एक को आज की रात आप छुटकारा प्रदान करें. In Jesus name. यीशु के नाम में. In Jesus name. यीशु के नाम में. Everybody's sin be washed away by your blood tonight. आज की रात आपके रोह के द्वारा हर एक पाप जो है धुल जाए. Every addiction. हर एक व्यसन. I command you to come out in Jesus name. यीशु के नाम में आज्ञा देता हूँ तुम निकल जाओ. Come on. बाहर निकलो. Come on. बाहर निकलो. Leave the
their soul. उनके प्राणों को छोड़ दो. Leave their mind. उनके मनों को छोड़ दो. Leave their hand. उनके हाथों को छोड़ दो. Leave their organ. उनके अंगों को छोड़ दो. Leave their eyes. उनकी आंखों को छोड़ दो. Let their brains recordings be cleansed in Jesus name. यीशु के नाम में उनके दिमागों का रिकॉर्ड करना बिल्कुल सही हो जाए. Wash them, Lord. धो दे प्रभु. Wash them, Lord. धो दे प्रभु. Wash them with your blood. अपने लहू से धो दे. Wash them. धो दे. Wash them. धो दे. Wash them. धो दे. Every sin come out. हर एक पाप निकल जा. Everybody be free. हर एक जो है आजाद हो जा. In Jesus name. यीशु के नाम में. In Jesus name. यीशु के नाम में. Yes Lord, set your people free. हाँ प्रभु जी अपने लोगों को आप आजाद करिए. Now raise your hands and pray for your husband. अब अपने हाथ उठा करके अपने पतियों के लिए प्रार्थना करिए. Pray for your children. अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें. Lord Jesus. प्रभु यीशु. Listen to their cry. इनकी पुकार को सुनिए. And cleanse their husbands and their spouses. और प्रभु जी उनके जीवन साथियों को उनके पतियों को साफ कर दे. Cleanse the children, Lord. बच्चों को आप शुद्ध और साफ कर दे प्रभु. Cleanse them with your blood. अपने लहू से आप धो दे. Wherever they are. चाहे वो जहाँ कहीं हो. Tonight. आज की रात. Let it happen. ऐसा ही होने दे. In Jesus यीशु के नाम में. Jesus name. यीशु के नाम में. Let it happen now. होने दे ये अभी हो जाए. Let it happen now. वो अभी हो जाए. Under the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य द्वारा. Let it happen now. वो अभी हो जाए. Let there be cleansing in Jesus name. यीशु के नाम में यहाँ पर शोधन हो. By the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा से. Now you addictions leave in Jesus name. यीशु के नाम से हर एक व्यसन तुम चले जाओ. Let your peace come, Lord. इसकी शांति आ जाए प्रभु. Your joy come, Lord. आनंद आ जाए प्रभु. Embrace your children. अपने लोगों को आलिंगन. Embrace your children. उन्हें आलिंगन में ले. Kiss your children. उन्हें चुंबन दे. And tonight let them be free. आज रात उन्हें आजाद होने दे. Free of every sin. हर एक पाप से आजाद. Let your family be free of every sin. आपके परिवार हर एक पाप से आजाद हो जाए. Thank you for doing that, Lord. धन्यवाद ऐसा करने के लिए प्रभु जी. Clap your hands and praise the Lord. तालियां बजा करके परमेश्वर की आप प्रशंसा स्तुति करें. Miracles are happening right now. इसी समय चमत्कार हो रहे हैं. God is changing everyone's heart. हर एक हृदय को परमेश्वर बदल रहे हैं. Every soul that is dead is coming alive. हर एक प्राण जो मृत हो चुका है अभी पुनर्जीवित हो रहा है. Every soul that is dead is coming alive. हर एक प्राण जो मृत है इस समय पुनर्जीवित हो रहा है. Just praise him. बस उसकी स्तुति करें. Just praise him. उसकी स्तुति करें. Come back to life in Jesus name. यीशु के नाम में फिर से जीवित हो जाओ. Families come back to joy in Jesus name. परिवारों में यीशु के नाम में आनंद वापस आ जाओ. Souls come back to life in Jesus name. प्राणों में यीशु के नाम से जीवन फिर से आ जाओ. Thank you for doing it, Lord. धन्यवाद प्रभु जी ऐसा करने के लिए. Oh, you are with your children now, transforming them. ओ प्रभु जी आप अपने बच्चों के साथ रहकर उन्हें अभी बदल रहे हैं. Joy of heaven is coming into every family. स्वर्गीय आनंद हर एक परिवार में आ रहा है. Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो. Lord, all things let it work unto good from today for thy children. आपके संतानों के लिए होने दे सारी बातें आज से भलाई को उत्पन्न करें. Let's believe. आइए विश्वास करें. Praise those who are in the sick bed, in the hospital, and in the homes as thy children are praying for them. प्रभु जी जब आपके संतान अपने प्रियो के लिए प्रार्थना कर रहे हैं अस्पताल या घर जहाँ भी हैं आप उनको उनके स्थान पर चंगाई Praise them. उन्हें चंगा करें. Praise them. उन्हें उठाएं. Praise them. उन्हें उठाएं. Praise them. उन्हें उठाएं. Let them be healed. वे चंगे हो जाएं. Every demonic spirit which has brought the sickness. हर एक शैतानिक आत्मा जिसने की रोग को लाया है. Come out in Jesus name. यीशु के नाम में बाहर निकलो. Cast you out. मैं तुम्हें बाहर खदेड़ता हूँ. Leave their body. उनके शरीरों को छोड़ दो. Leave their relationship. उनके संबंधों को छोड़ दो. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. Leave their finances. उनके अर्थव्यवस्था को छोड़ दो. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. Now your spirit of fear. अब तुम जो भय की आत्मा हो. Come out. बाहर निकलो. Come out.